केंद्र सरकार अभी भी वैक्सीनेशन के अपने लक्ष्य पर टिकी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि साल के अंत तक भारत की पूरी वयस्क आबादी का टीकाकरण हो जाएगा। ये लक्ष्य आसान नहीं है, किस रफ्तार से वैक्सीनेशन करने पर ही यह लक्ष्य हासिल हो सकता है हम आपको दिखाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि साल के अंत तक देश की पूरी वयस्क आबादी को कोरोना का टीका लगा दिया जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा, कौन कौन सी वैक्सीन मिलेंगी देश को और टीकाकरण की किस रफ्तार से ये लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सुकून और उम्मीद देने वाली खबर ये है कि बीते 6 दिनों के दौरान देश में टीकाकरण की रफ्तार तेज हुई है। बीते 21 जून को देश में 86 लाख कोरोना के टीके लगाए गए, जो भारत में एक दिन में लगाए गए टीकों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके बाद अगले 5 दिनों में भी टीकाकरण का ग्राफ ऊंचा ही रहा। 21 जून को एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा 46 लाख डोज देने के बाद 22 जून को यह आंकड़ा 54 लाख 24 हजार रहा। 23 जून को 64 लाख 89 हजार, 24 जून को 60 लाख 73 डोज लगाई गई, 25 जून को यह आंकड़ा हो गया 61 लाख 19 हजार डोज और 26 जून को 64 लाख 25 हजार डोज लगाई गई। अब समझते हैं कि आखिर टीकाकरण की क्या रफ्तार होनी चाहिए जो 31 दिसंबर को पूरे देश के टीकाकरण के लक्ष्य को पाया जा सके। भारत की वयस्क आबादी है 94 करोड़, दो डोज के हिसाब से वैक्सीन चाहिए 188 करोड़। 26 जून तक लग चुकी है 32 करोड़ 17 लाख वैक्सीन, कितनी डोज लगनी बाकी है 156 करोड़। 31 दिसंबर में कितने दिन बाकी हैं? 188 दिन। सरकार के साथ साथ देश के वैक्सीनेशन नेटवर्क ने भी कमर कस ली है। अगर साल के अंत तक सबको वैक्सीन देनी है तो 21 जून के रिकॉर्ड यानी एक दिन में 86 लाख वैक्सीन डोज जैसी कामयाबी हमें बार बार हासिल करनी होगी। साल खत्म होने में है 188 दिन, अगर 85 लाख डोज प्रतिदिन के हिसाब से दी जाए तो 184 दिन यानी 28 दिसंबर 2021 तक पूरे देश की आबादी को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य पाया जा सकता है। अगर रोज 90 लाख डोज लगाई जाएं तो 16 दिसंबर तक, अगर रोज 95 लाख डोज दी जाएं तो 7 दिसंबर तक, और अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाकर 1 करोड़ डोज प्रतिदिन कर दी जाए तो 30 नवंबर 2021 तक ही हम ये लक्ष्य पा सकते हैं। पिछले सोमवार यानी 21 जून को 86 लाख डोज का रिकॉर्ड बन चुका है, इसलिए ये गणित असंभव नहीं लगता। लेकिन साफ है कि 21 जून के बाद रफ्तार गिरी है। अब अगर हर दिन कम से कम 85 लाख डोज नहीं लगाई जाएंगी तो साल के अंत तक ये लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा। कोविड-19 पर काम कर रहे कार्यकारी समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा ने कहा है कि भारत के पास एक दिन में 1.25 करोड़ डोज देने की क्षमता है। यानी अगर 1.25 करोड़ डोज प्रतिदिन ना भी सही तो कम से कम 85 लाख डोज प्रतिदिन तो लगानी ही होंगी। लगातार तेज रफ्तार टीकाकरण आसान तो नहीं लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। टीकाकरण की इतनी बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए आखिर टीके कहां से आएंगे, ये सवाल उठना स्वाभाविक है। वो कौन कौन से देश हैं जहां से भारत को टीके हासिल हो सकते हैं? इसके अलावा अगली एक तिमाही में कौन कौन से टीके भारत में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होंगे, सरकार कौन से टीके खरीद रही है, इन तमाम मुद्दों के साथ साथ इस बात पर नजर ला लेना जरूरी है कि सरकार कौन से टीके खरीदने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बताया गया है कि 31 जुलाई तक 51.6 करोड़ टीके लगाए जा चुके होंगे। अगस्त से दिसंबर के बीच सरकार 135 करोड़ वैक्सीन खरीदेगी। ये वैक्सीन कौन कौन सी होंगी देखते हैं। कोविशील्ड 50 करोड़, कोवैक्सीन 40 करोड़, बायो ई 30 करोड़, स्पुटनिक 5 10 करोड़ और जाइडस कैडिला की 5 करोड़ डोज, यानी कुल वैक्सीन डोज होंगी 135 करोड़। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन और फाइजर की वैक्सीन आने की भी उम्मीद है जो इस संख्या से अलग होंगी, यानी वैक्सीन देश में कम नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह चिंता भी जताई थी कि ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की सुविधा न होने से वैक्सीनेशन में समस्या आएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि इसकी वजह से टीकाकरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जुलाई महीने में 17 करोड़ पर मंथ प्रोडक्शन हो जाएगा, अगस्त महीने में 19 करोड़ प्रोडक्शन हो जाएगा, सितंबर महीने में 42 करोड़ पर मंथ डोजेज होंगी और नवंबर महीने में 56 करोड़ डोजेज बनेंगी और दिसंबर महीने में 59 करोड़ पर मंथ डोजेज बनेंगी।
इसको टोटल कर दिया जाए तो 257 करोड़ डोजेज बाय दिसंबर भारत के पास होगा, और इसलिए डबल डोज लगाने के लिए भारत पूरे स्विंग में तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में वैक्सीनेशन के 74% केंद्र ग्रामीण इलाकों में बनाए गए हैं। साथ ही इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि सुदूर इलाकों में वैक्सीनेशन तेज रफ्तार से हो सके। इसके अलावा वैक्सीन की कमी न होने पाए, इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगर हर दिन 85 लाख वैक्सीन दिए जाते रहे तो 2021 के खत्म होने तक हम पूरी तरह वैक्सीनेटेड होंगे। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।